प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट शख्सियत में, जिसमें हम आपकी मुलाकात उन बड़ी शख्सियत से कराते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और इस सेगमेंट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत सारे समाज सेवा किए हैं। अगर बात हम उनकी पहचान की करें तो किसी एक शब्द में या फिर कोई एक नाम में टैगलाइन उनके लिए देना छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतनी सी कम उम्र में उन्होंने जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हैप्पीनेस कोच, बिजनेस कोच, शिक्षाविद के लेखक के साथ साथ एक वो समाज सेवी है, और ऐसे समाज सेवी की समाज की धारणा, समाज की जो मेंटालिटी है उसको बदल कर इस समाज को बेहतर करने की पूरी कोशिश वो छोटी सी उम्र में कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर विवेक तांगड़ी से कराएंगे जो बेहद एक अलग पर्सनैलिटी है, एक अलग शख्सियत है। सर बहुत बहुत, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ किया, तो हम चाहेंगे अपने स्टार्टिंग की जर्नी हमारे दर्शकों को कम उम्र तो नहीं कहेंगे, जैसे मैं इस समय 45 वर्ष का हूँ, और हाँ, लेकिन अगर अपनी व्यापारिक जर्नी की बात करें तो हाँ, इट्स नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 25 इयर्स जो मैंने बिजनेस का सफ़र किया है। और मैं शिक्षाविद मेरे रूप में सरदार भगत सिंह कॉलेज का वाइस चेयरमैन रहा, और भी बहुत सामाजिक संगठनों में रहा, धार्मिक संगठनों में रहा, परंतु शुरू से ही मेरा उद्देश्य था कि एक तय समय सीमा में, उम्र की एक तय समय सीमा पर मैं एक तरीके का बिजनेस रिटायरमेंट ले लूँगा और अपने सभी चीज़ों को समाज के प्रति समर्पित कर आगे बढ़ूंगा। आप एक अभियान चला रहे हैं, चलो जाने राम में राम। हाँ जी, ये अभियान क्या है और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, वैसे मैं मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, और इस अभियान की बात करें तो ये राम राज्य किसी धर्म से जुड़ा हुआ अभियान नहीं है। ये अभियान है नैतिकता का, ये अभियान है मूल्यों का, ये अभियान है हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं जिसके कारण हमारे इस देश को, हमारे इस राष्ट्र को एक पहचान मिलती है, उस संस्कृति को जागृत करने का। अगर हम देखें तो राम राज्य के विषय में कहा जाए तो राम राज्य के लिए कहा गया है कि जहां पर किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, जहां पर कोई दीन ना हो, जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जहाँ पर सब एक ऐसे समाज की संगठना में रहते हों जहाँ पर सब एक समान व्यवहार और आचरण करें। तो मेरे ख्याल से ये राम राज्य तो प्रत्येक युग का सबसे उत्तम राज्य होना चाहिए, और अगर आज इसकी कल्पना परिकल्पना हम कर रहे हैं तो ये किसी धर्म विशेष या किसी पार्टी विशेष की परिकल्पना नहीं है, बल्कि ये तो हम सब की परिकल्पना होनी चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगते आया है कि राम के नाम पे राजनीति कर रही है जी, तो आज के वक्त में जितने लोग भी, जैसे कि आपके अभियान है चलो जाने राम राज्य जी, तो लोग इसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ रहे होंगे जी, तो किस तरह से ये अलग है? पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति क्या है, कि भी किसी भी राज्य को सुचारू रूप से, किसी भी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नीतियों का अनुपालन होता है उसको राजनीति कहते हैं।
कहते हैं, और उन नीतियों को लागू करने का जिसका कार्य होता है वो राजनेता होते हैं, या वो आज के युग में पार्टी कह लें या सरकार कह लें। तो हाँ, अगर राम का नाम राम किसी धर्म विशेष के का व्यक्तित्व नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक ऐसा आचरण समाज के सामने रखा है जहाँ पर एक राष्ट्र की परिकल्पना, जिसके राष्ट्र देव राम हो, जहाँ पे ऐसी परिकल्पना की जाए, जहाँ पर एक ऐसे राष्ट्र के राजा की परिकल्पना की जाए जो सबको समान रूप से देखता हो। तो अगर इस परिकल्पना को लेके कोई पार्टी, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, वो आगे चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये तो सभी पार्टियों को करना चाहिए, क्योंकि एक सुचारू समृद्ध सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना अगर कोई पार्टी कर रही है तो ये तो हम सबके हित की बात है। लेकिन इसको जिस तरह से धर्म से जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा अभियान चला रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि रामराज ये नहीं है कि सिर्फ भगवान की पूजा करना, रामराज ये है कि उनके आचरण को अपनाना। लेकिन जिस तरह से लोग लगातार इस अभियान को भी भगवान से जोड़ के ना जोड़ के राजनीति से जोड़ दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से बताएंगे कि मैं रामराज को किस तरह से जनता के बीच में रख रहा हूँ? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभियान क्या है जी। इस अभियान के अंतर्गत मेरा जो अपना मूल तत्व है, जिसको लेके मेरे मन में ये परिकल्पना आई इस अभियान को प्रारंभ करने की, तो शुरुआत होती है सबेरे के अखबार से। जब हम सबेरे का अखबार खोलते हैं तो हमें किस प्रकार के समाचार देखने को मिलते हैं, एक बार इस पे गौर करिए। आप चूंकि खुद न्यूज़ जगत से हैं, आप तो खुद न्यूज़ का जितने भी समाचार होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं, तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि समाज की जो बुराइयां हैं वो कहां से प्रारंभ हो रही। आप निश्चित रूप, अभी हाल में ही एक घटना हुई थी जिसमें एक 16 साल के बच्चे ने अपनी माँ को निर्मम रूप से मार दिया था। अक्सर ऐसी घटनाएं समाचार में आती रहती है, तो इन घटनाओं को देख के आपको क्या लगता है? हाँ, ओह क्या हुआ, कितना गलत हुआ, बस ये टिप्पणी करके हम लोग शांत बैठ जाते हैं। क्या ये टिप्पणी ही काफी है? क्या ये आवश्यकता नहीं है कि समाज के उस पहलू को समझना? क्या ये आवश्यकता नहीं है कि समाज के उन कुरूतियों को जानना कि जिस कारण ये मनोदशा उत्पन्न हो रही? आपको मैं बता दूं, अगर आप आज किसी अच्छे साइकेट्रिक डॉक्टर से बात करेंगे तो वो बताएगा कि हमारे पास आने वाले जो लोग हैं उनकी उम्र 30 से 45 वर्ष के ज़्यादा सबसे अधिक है। ऐसा क्यों? वो उम्र जिसमें संपूर्ण ऊर्जा के साथ आदमी कार्य करता है, वो उम्र जिसमें संपूर्ण मनोयोग के साथ वो किसी गति या किसी दिशा की ओर बढ़ता है, वो उम्र जिसमें एक राष्ट्र को समृद्ध करने की, सशक्त करने की क्षमता है, उस उम्र में अवसाद कैसा? अवसाद का कारण है हमारा सामाजिक परिदृश्य। समाज किससे बना? परिवार से। परिवार में सबसे मूल घटक हम हैं। आज उस परिवार में जो संस्कृति का नाश हो रहा है, आज हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जो भाग रहे, बाहर के लोग हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को छोड़ के बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं। आज आवश्यकता है उस संस्कृति को जानने की, परिवार में उस मूल तत्व को पहचानने की, अपने परिवार में संवाद को बढ़ाने की, और संवाद भी कैसा संवाद? स्वस्थ संवाद के रूप में। हम केवल आरोप और आलोचना में घिर चुके हैं। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में अगर हम बैठते हैं तो केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अगर हम परिवार में बैठते हैं तो केवल एक दूसरे की आलोचना करते हैं, तो हम ऐसे में क्या पाएंगे परिवार से? परिवार की ऊर्जा समाप्त होगी। हम कोई भी सनातनी संस्कृति से संबद्ध कोई बात नहीं करते, हम किसी भी अपनी ऐसी वस्तुओं के विषय में बात नहीं करते जिससे स्वस्थ परिचर्चा परिवार में हो, तो हम उसका क्या प्रतिफल पाएंगे? तो उस संस्कृति को, उस सभ्यता को समाज के सबसे छोटे घटक परिवार के अंदर जागृत करने का अभियान राम राज्य है। ये अभियान न धर्म का है न राजनीति का है, ये समाज का अभियान है। इस अभियान के तहत आप अभी तक आपने क्या कुछ कार्य किया? मेरा इसका मूल उद्देश्य है कि परिवारों में जाके अपनी संस्कृति के संबंध में परिचर्चा करना, केवल एक व्यक्ति से नहीं, उस परिवार के समस्त सदस्यों से। इसमें हम जितने भी RWAs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनके माध्यम से वहाँ जितने लोग रह रहे हैं उनके साथ चर्चा करते हैं, प्लस हम जिस संस्थाओं से जुड़े हैं
वहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बाद के 10 मिनट हम इसी संस्कृति, इसी सभ्यता के विषय में परिचर्चा करते हैं। और अपनी जो मूल संस्कृति है, जो मूल धारणा है हमारे भारत की, हमारे राष्ट्र का जो मूल चिंतन है, उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं। जी की जिस तरह से अपने परिभाषा बताई है, ये परिभाषा ही अलग है। आज के वक्त में अगर युवा, और आपने बताया कि 30 से 45 की उम्र में जो लोग हैं वो ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, जबकि इस उम्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो हमारे जो युवा है वो स्पेस के नाम पे पेरेंट्स से अलग रहना चाहते हैं। एक उम्र के बाद जो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, वो अपने पेरेंट्स को अलग रखते हैं स्पेस के नाम पे। तो कहाँ ये हमारी संस्कृति में कमी देखते हैं आप इसको, या फिर कहीं और से इसकी प्रॉब्लम? और ये है तो आप अपने अभियान के तहत इसको किस तरह से मैनेज करने की और लोगों को एक ऐसी मानसिकता लोगों में भरने की कोशिश करते हैं कि नहीं, फैमिली सब कुछ है, रामराज यही है कि सब एक साथ रहो और मिलजुल के रहो। प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कोई एक दोषी नहीं। ना वो बच्चा दोषी है जो एक अकेले रहने के लिए बात कर रहा है, स्पेस ढूंढ रहा है। ना वो पति पत्नी दोषी हैं जो माँ बाप से अलग रहना चाहते हैं, और ना वो माँ बाप दोषी। बल्कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये तीनों बराबर रूप से इस दोषी, इस समस्या के दोषी हैं। क्यों? आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं, उस युग में ये तीन घटक जो आपने बताए हैं, ये तीनों एक दूसरे को जानना और समझना नहीं चाहते। अगर आज आप व्यवहारिक जगत की बात करें, अगर हम किसी को समझना चाहते हैं तो हमें उसके लेवल पे आना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा धर्म से जोड़ते हैं। अवतार किसे कहते हैं, अवतरण किसे कहते हैं? ईश्वर अवतरण, अवतरित होते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर का अवतरण होता है, वो अवतरित। अवतरित मतलब अपनी अवस्था से नीचे आना। तो जब अगर हम किसी की बात को मूल रूप से समझना चाहते हैं तो ये हमको भी अवतरण करना पड़ेगा उसकी बात को समझने के लिए। यानी मूल रूप से हमें उसके दिमाग में जो चल रही मानसिक द्वंद्व है उसको समझ के बात करनी हो। मात्र केवल इस चीज से इसका समाधान नहीं संभव है कि हम अपनी बात उसको कह दें। समाधान तब संभव होगा जब हम उसकी बात भी समझें और एक सेतु बंध का काम करें। वो सेतु बंध जो उसकी विचार और हमारे विचार के बीच का, जिससे हम भी कुछ आगे बढ़े, वो भी कुछ हमको समझे। जब दो लोग एक दूसरे को समझेंगे तभी परिवार में ये जो पृथकवाद जन्म ले रहा है ये समाप्त हो पाएगा। राम राज्य में अगर आप देखें तो राम राज्य में आपने अगर रामचरितमानस पढ़ी होगी तो आप देख सकते हैं कि एक परिवार में जो चार भाई थे, आजकल देख लें तो संपत्ति के बंटवारे में तो हत्याएं हो जाती है। और वो राम राज्य की परिकल्पना जहां पर एक भाई जो वनवास चला गया हो, दूसरा भाई उसके चरण पादुकाओं को प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंहासन पर के राज्य करता हो, अगर इस राज्य की हम परिकल्पना कर रहे हैं अपने समाज को समृद्ध करने के लिए, अपने राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए, तो मेरे विषय में, मेरे हिसाब से ये कतई किसी धर्म का विषय नहीं है, ये तो हमारी सुसभ्य संस्कृति का परिचायक है। तो इसलिए राम राज्य को जानने के लिए सबसे आवश्यक है खुद को जानिए, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के मन को जानिए, और तब उस सेतु बंध का काम करिए ताकि हम सब एक समान रूप से अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। जब परिवार बढ़ेगा तो ही समाज बढ़ेगा, और जब समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। विवेक जी, इतनी कम उम्र में, कहा जाए 45 साल एक कम उम्र ही है, बहुत उपलब्धियां, बहुत लोग, कुछ लोग तो बहुत उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। आप इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच, वो भी देश के लिए, देश हित में समर्पित, क्योंकि देश में तमाम तरह की कॉन्ट्रोवर्सी अभी आपने सुनी होगी कि जब अग्निवीर योजना आई तो किस तरह से युवा सड़कों पर उतर आए, देश की बात हो रही थी, एट लास्ट युवाओं को समझ में आया कि देश हित में ही हमें कार्य करना चाहिए। तो आपकी ये जो धारणा है, ये जो आपकी मेंटेलिटी है कि नहीं, अपने देश के लिए काम करो, देश हित के लिए, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मैं संपूर्ण रूप से, मानसिक रूप से, कर्म के स्वरूप में और चिंतन के स्वरूप में अपने ईष्ट जो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं उनको समर्पित हूँ, और उनसे ही प्रत्येक पल और प्रत्येक पग पे प्रेरणा लेता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज जिस प्रकार से, हनुमान जी का तो नाम ही है, हन्यते माना इति हनुमाना, जिसने स्वयं के मान का हरण कर रखा हो,
जिसको अपने नाम की चिंता ना, वो हनुमान है। इसीलिए आपको हनुमान भक्त कहा जाता है। भक्त क्या, मैं तो सेवक की श्रेणी में आता हूँ। और श्री हनुमान जी महाराज को अगर आप देखें तो पाएंगे कि उनका जो सेल्फलेसनेस थी, जो श्री हनुमान जी महाराज का अप्रतिम समर्पण था प्रभु श्री राम के प्रति, वो अब देखने को नहीं मिलता है किसी के, आपके स्वयं के अंदर अपने काम के लिए नहीं मिलता है। जब श्री हनुमान जी महाराज संपूर्ण कार्य को निपटा के, सीता माँ की खोज करके, लंका को जला के, रावण के प्रत्येक जो उनके जितने भी शस्त्रागार थे सबको तहस नहस करके लौटे, इतना बड़ा काम। तो अब इसमें आप, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। अगर आज के युग का कोई व्यक्ति ये कर रहा होगा तो निश्चित रूप में सारे मीडिया चैनल्स के जो आपके माइक्स होते हैं वो सब उसके फेस पे लगे होंगे, उसकी एक बड़ी सी न्यूज़ आर्टिकल निकलेगा, उसकी हेडिंग, और वो कहेगा कि हाँ मैंने किया, बड़ी मुझको मुश्किल ही, लेकिन मैंने उस चीज़ को किया। वो सिर्फ अपना महिमा मंडन करेगा। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जब ये सब करके आए तो उसके बाद जब उनकी बड़ाई की जा रही थी तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बात कही कि सो सब तब प्रताप रग राई, नाथ नकच मोरी प्रभुता। ये सब प्रभु श्री राम आपका प्रताप था, इसमें मेरी कोई भी प्रभुता ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो जब हम अपने देह से ऊपर उठ के किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रहित का हो, चाहे वो परिवार का हो, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का उस कार्य के प्रति आसक्ति नहीं होती। और जब आसक्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम उस कार्य को करने में उसके प्रतिफल की चिंता किए बिना सिर्फ कार्य के विषय में सोचेंगे कि कार्य का सुखद संपादन कैसे किया जा सके। तो इस तरीके से मेरे मनोभाव में भी यही रहता है। जैसे आपने कहा कि इतना कुछ अग्निवीर के विषय में कहा कि लोग, हमने, हमारा समाज, मैं फिर से बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज का नज़रिया बदल चुका है। हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि इतनी दूषित हो चुकी है कि हमें सिर्फ गलत दिखता है। समाज में हम किसी ओर जाएं, समाज में हम किसी ओर बढ़े, हम किसी को भी देखेंगे तो शायद उसमें 5 बिंदु अच्छे हों, लेकिन हमें मात्र उसमें जो 1 बिंदु गलत दिख रहा होगा हम उसको ही पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी मनोदशा वैसी बन चुकी है। अभी एक आप बुक पढ़िएगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारी एक देह जो है इसके साथ साथ एक शरीर और है। हम जो भी चिंतन करते हैं, हम जो भी अपने विचार लाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और फिर हमारी पूरी बॉडी उसी के हिसाब से काम करने लगती है। एक बार, दो बार, इसी को भय भी कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ से भयभीत होने लगते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। इसी तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति अगर हम कोई विचारधारा बना लेते हैं तो हम उसी से ग्रसित रहते हैं। और इसमें थोड़ा सा सहयोगी कह लेंगे मीडिया का भी रहा, अग्निवीर को किस प्रकार से दिखाया गया। मैं ये नहीं, मैं किसी भी योजना का, मैं किसी भी पार्टी का, मैं किसी भी व्यक्ति का समर्थन या उसका वो नहीं कर रहा हूँ विरोध। मेरा कहने का मतलब, हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, हमें अपने चिंतन के माध्यम से चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम क्यों दूसरे की नेत्रों से देखते हैं? एक बार हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, हमें चिंतन का विषय दिया है, तो हम उसके ऊपर चिंतन करके क्यों नहीं करते? और आज इसी नज़रिए की वजह से जो समाज में जितना भी आप नकारात्मक चीज़ें फैल रही हैं, ये केवल नज़रिया जो हम अपनी दृष्टि से नहीं दूसरों की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर चुके हैं। विवेक जी, आप एक लेखक भी हैं, आपने कितनी किताबें लिखी है और कितनी प्रकाशित हो चुकी है अभी तक? मेरी, हाँ बिल्कुल, अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरी, मैं टोटल 5 पुस्तक लिख चुका हूँ, जिसमें एक अंडर पब्लिकेशन है, 3 पुस्तक हैं श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर, और पहली पुस्तक, ये मैं इसमें थोड़ी सी बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि मैं जब मैंने पहली पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई, मैंने जीवन में सोचा था कि कभी एक पुस्तक लिख पाऊंगा, तो मेरी पहली पुस्तक लिखने की प्रेरणा आई कि मैंने जब 2008 में मैं और मेरे मित्र पंकज सिंह भदौरिया जी ने, दोनों लोगों ने एक संस्थान खोला, सरदार भगत सिंह कॉलेज, और हम दोनों की जो श्रद्धा थी वो श्री हनुमान जी के प्रति अप्रतिम थी।
और तो उस संस्थान के जब चेयरमैन बनने की बात हुई तो ऐसी चर्चा हुई तो हम लोग दोनों ने सहसा कहा कि भाई चेयरमैन तो हनुमान जी होंगे। तो उस कॉलेज के चेयरमैन हम लोग के श्री हनुमान जी महाराज को बनाया, वहाँ मंदिर स्थापित किया। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा विवाद उठा, गवर्नमेंट में उस चीज़ को स्वीकृति नहीं मिली कि कॉलेज नहीं खुलेगा, क्योंकि हनुमान जी कैसे चेयरमैन हो सकते हैं। बहरहाल एक बहुत लंबी कथा है, लेकिन बाद में श्री हनुमान जी की कृपा से उस कॉलेज को मान्यता मिली और आज 15 वर्ष से वो संस्थान चल रहा है। चेयरमैन भगवान हनुमान जी हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनका एसेंस फुल ऑफिस है, उनकी कार है, उनकी मोहर है, उनकी फाइल्स हैं, सब कुछ है। मतलब एक चेयरमैन को जो पावर्स रहती हैं वैसे ही उनकी सब चीज़ें वहाँ पर हैं। तो जब ये हुआ तो मेरे पास अमेरिका से क्रॉनिकल 2008 जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास कॉल आया था क्रॉनिकल टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन अमेरिका से, वहाँ की एक पत्रकार थी इनग्रिड नॉर्टन, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया। तो उन्होंने मुझसे ईमेल से क्वेश्चंस पूछे, 16 क्वेश्चंस पूछे और उसका मैंने आंसर दिया। जब मैंने आंसर दिया तो उन्होंने मेल लिखा कि आप क्यों नहीं इतना अच्छा आपने इसका विस्तार से बताया है, क्यों नहीं इस पर बुक लिखते हैं। तो मैंने सबसे पहली बुक लिखी वर्सटाइल हनुमान, अ मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड हनुमान जी, मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें उस पुस्तक में हनुमान जी के जितने कार्य हैं उसको आज के MBA के फ्रेम में कैसे बैठाया जा सकता है वो पूरा है। उसी का फिर हिंदी रूपांतर लिखा प्रबंध कौशलम। उसके बाद सकल गुण निधानम श्री हनुमान जी मेरी तीसरी पुस्तक थी। फिर अभी कोरोना काल में मैंने अपनी चौथी पुस्तक लिखी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ की कमी लोगों के बीच में हो गई थी, खुशियाँ। तो मेरी वो चौथी पुस्तक थी चाहत खुशियों की। उसमें ये बताया गया कि हमारे आसपास ही, हमारे अंदर ही, हमारे भीतर ही खुशियाँ हैं, लेकिन हम उनको बाहर ढूंढते हैं, जिस कारण वो खुशियाँ हमको मिल नहीं पाती हैं। तो चौथी पुस्तक वो थी। और अभी पाँचवीं पुस्तक जो अगस्त माह में प्रकाशित होने जा रही है, आत्मचिंतन जीवन का अमृत, ये 5 पुस्तक है। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि ये सारी किताबें नाम से ही अलग है और सभी को पढ़ना भी चाहिए। आपने बताया कि आपके कॉलेज के चेयरमैन जो है भगवान श्री हनुमान जी हैं, उस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आते हैं क्या उनको भी ऐसी प्रेरणा दी जाती है कि भगवान हनुमान के जो कार्य है उन पर चले, क्या उनको भी इस तरह की प्रेरणा, और क्या बच्चे कितना मानते हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि बच्चे अरे आई एम नॉट गोना फॉलो दिस रिचुअल्स, आई एम जस्ट ट्राइड टू बी वेरी एडवांस, ऐसा आजकल के बच्चों। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। पहली बात तो ये हम लोग की अपनी अपने अंदर की विषय वस्तु थी, ये हमारी निजी भक्ति थी, जिस कारण मैंने उनको चेयरमैन बनाया। दूसरी बात, संपूर्ण कॉलेज में एक मंदिर है, एक श्री हनुमान जी का कक्ष, बाकी और किसी भी जगह पे कहीं श्री हनुमान जी का किसी प्रकार का चित्रण नहीं है कि जिससे लगे कि यहाँ पे धर्म विशेष के विषय में पढ़ाई होती है। अब आपने दूसरा प्रश्न किया, बच्चे कैसे लेते हैं। अगर आपको वास्तविकता में धार्मिक समरसता का उदाहरण देखना है तो आप हमारे संस्थान आइए। हमारे संस्थान में सभी धर्मों के लोग एक साथ एक स्थान पे मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं। टीचर्स डे हो, जितने भी इस तरीके के फंक्शंस होते हैं, श्री हनुमान जी की फ़ोटो, वो चाहे आप मुस्लिम समुदाय का कह लें, हिंदू समुदाय का कह लें, सिख समुदाय का कह लें, फ़ोटो ले जाके सबसे पहले हनुमान जी की पूजा, उनके ऊपर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन करके किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ एक विषय आता है कि कैसे ये सब चालू। एक स्थान जिसको विद्या का मंदिर कहते हैं, वहाँ पे किसी भी संस्कृति को बनाना, बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, यही कार्य होता है मैनेजमेंट का। और आज हमको सबको यही करना चाहिए, यही मूल तत्व हमारे परिवारों से पृथक है। आज हम बच्चों से कहते हैं अरे बच्चे सो रहे हैं चलो पूजा में हम ही लोग बैठ के कर लेते हैं। नहीं, बच्चों को सबसे पहले पूजा स्थल पर ला के पूजा करानी चाहिए, वो किसी भी धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म है तो हिंदू, जो भी धर्म है उस धर्म की संस्कृति को
को फॉलो करना आवश्यक है, क्योंकि धर्म का मतलब ही है धारण करने की विषय वस्तु। धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म धारण करने के लिए। और धर्म धारण करने से आपके अंदर संयम आएगा, आपके अंदर चिंतन आएगा, आपके अंदर शालीनता आएगी, आपके अंदर व्यवस्थित आचरण आएगा, जिसके माध्यम से आप जीवन में सफल होंगे। तो धर्म का धारण और आपकी सफलता, ये दूसरों एक दूसरे के पूरक तत्व है। लेकिन आज के वक्त में आपने देखा होगा कि लोग धर्म को धारण करने के बजाय प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस प्रदर्शन में ना जाने कितने मासूमों की जान जाए। बिल्कुल, इसी इन्हीं सब चीज़ों को समझाने का, इन्हीं सब चीज़ों को बताने का तो अभियान है ये चलो जाने राम राज्य। क्योंकि राम राज्य में जो भी परिकल्पनाएं थीं वो स्वांता सुखाय तो थीं, अपने सुख के लिए तो थीं, परंतु प्रत्येक कार्य में राष्ट्र का चिंतन था, प्रत्येक कार्य में राष्ट्र का संवर्धन था, और प्रत्येक कार्य में राष्ट्र का हित था। तो आज अगर इस परिकल्पना को बलवती किया जाएगा, परिवार के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, समाज के माध्यम से, और निश्चित रूप से राजनैतिक माध्यम से, तो हम रामराज्य ला सकते हैं। आपके इस अभियान से और कौन-कौन लोग जुड़ेंगे? हमारे अभियान से लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसमें एक नंबर है जिस पे मिस्ड कॉल देके आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं, और इस मिस्ड कॉल देने के बाद आपके पास एक छोटा सा फॉर्म आएगा मैसेज पे, उसको भर दीजिए, जिसमें आपको सिंपल नाम ये गूगल पे भी अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि ये जो किताब है ये गूगल पे भी अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करके भी इस एक अच्छी अभियान से जुड़ सकते हैं। विवेक जी, आप इसके डिटेल्स बता दें कि किस तरह के फॉर्म्स आते हैं, और ये जो एक बहुत ही अच्छी अभियान है इससे हमारे युवा और हर वर्ग के लोग कैसे? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस अभियान से आप लोग जुड़े। इस अभियान के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में छोटी छोटी बैठकें करें, उस बैठक में लिए गए चिंतन को परिवारों में बढ़ाएं, अपने साथ साथ और मोहल्लों में बात करें, चर्चा करें, क्योंकि चिंतन की लहर सबसे तेज होती है। जब हम इस चिंतन के माध्यम, एक विचार की शक्ति सबसे बड़ी होती है, अगर वो विचार हम सब का मिल जाएगा तो राष्ट्र जागृति के कार्य में आएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिस्ड कॉल दे सकते हैं, मिस्ड कॉल के बाद आपके पास एक मैसेज पे फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में छोटी सी डिटेल्स है जिसमें आपका नाम और आपका क्षेत्र जहां आप रहते हैं, और उस क्षेत्र में यदि आप इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। मैं एक बात और बता रहा हूं, मैंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया है उस फ्रेमवर्क में ये है कि ये कार्यक्रम एक घंटे का है। किसी को भी अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में कराना है, जहाँ पे 20-25 परिवार के लोग आ जाएं, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली सिर्फ पानी सर्व होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की मर्यादाएं होती हैं। और इस अभियान से कैसे हम छोटे वर्ग को भी जोड़ सकें? हम सुसमृद्ध हैं, हमारे पास पैसा है तो हम लेविश नाश्ता रख दें, और फिर दूसरे देखें कि भैया उनके यहाँ गए थे, उन्होंने तो अभियान किया था, बड़ा खर्चा हुआ था। इसलिए इस अभियान का सबसे मूल तत्व है कि केवल पानी सर्व होगा, और उसके बाद इस अभियान में आपको रामराज्य के विषय में सभी बराबर से जुड़ सकें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ जोड़ना है। और इस अभियान से जोड़ के हम एक सुसभ्य सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना करना चाहते हैं, तभी हम कहते हैं कि आइए चलो जाने रामराज्य, क्योंकि इस रामराज्य के माध्यम से ही हम सब सुखी हो सकते हैं, हम सब समृद्ध हो सकते हैं। इसमें सब का मतलब सब है, तभी कहा गया है कि चलो जाने रामराज्य। विवेक जी, एक कोई ऐसा मैसेज जो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ साथ आप समाज को भी देना चाहिए? सबके मन में एक ही भावना आए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। हम जब तक इस वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को अपने चिंतन में नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अपना अपना तो सब करते हैं, लेकिन हम सब ये परिकल्पना लें कि हम सब कैसे सुखी रह सकते हैं, हम सब कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम सब एक साथ मिलके अपने राष्ट्र को कैसे बलवान कर सकते हैं। इस भावना को जिस दिन हम बढ़ा लेंगे, हम सब रामराज्य को इस धरा पर ले आएंगे। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और लोगों को रामराज्य क्या है बताने के लिए और कहीं ना कहीं एक अभियान चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर विवेक, जिन्होंने बताया कि जो हमारा राम राज्य है वो राम राज्य नहीं है कि हम प्रदर्शन करें अपने धर्म का, हम रोडों पर उतर के एक दूसरे को मारे, कितने मासूमों की जान गई तमाम तरह के प्रदर्शन में, और इसी प्रदर्शन को दूर करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये समझाने के लिए कि राम राज्य हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे परिवार में किस तरह से आएगा, एक बेहद ही अच्छी मुहिम चलाई जा रही है डॉक्टर विवेक जी द्वारा। और मैं भी आप सबसे कहूंगी कि इस मुहिम से जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए प्राइम टीवी।